पहले तो मैनुअल चलान हुआ करते थे, सिग्नल जो ब्रेक करता था उसका हम रोक के चलान किया करते थे। कहते थे मैं येलो पे आया हूँ, मैं ग्रीन पे आया हूँ, मैंने सिग्नल ब्रेक नहीं किया, बहस होती थी। लेकिन ये जब से सेफ सिटी वजूद में आई है तब से लोगों का जो सिग्नल वायलेट करते हैं उसको सेफ सिटी कैमराज के जरिए चलान किया जाता है। चलान अगर किसी के तब चेक करना है कि उसके कितने इंच चलान हो गए हैं तो वो सेफ सिटी की वेबसाइट है, वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ उनको सारे चलान की डिटेल सामने आ जाएगी, प्रिंट आउट करवाएं और जाके पंजाब बैंक में जमा करवाना होंगे। अभी हमारा एक स्पेशल स्क्वाड बना हुआ है, ईच चलान डिफॉल्टर गाड़ियां पकड़ता है वो स्क्वाड। सेफ सिटी वाले कॉल करते हैं कि ये गाड़ी इसके 5 चलान है या 5 से अब जितने भी गाड़ियां चलान हो चुके हैं वो सेफ सिटी वाले उन्हें कॉल करते हैं कि इस गाड़ी को राउंड अप करना है, चलान जगह इस पोजिशन से गाड़ी की इस तरफ जा रही है, उसको फिर हम रोकते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। फिर जब तक वो सारे चलान क्लियर नहीं करते अपने तब तक उनकी गाड़ी नहीं छोड़ते या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स अपने पास अपनी कस्टडी में रखते हैं। एक एक गाड़ी के 10-10, 20-20, 100 से ऊपर भी चलान हुए हैं, बस गाड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं, उनके 100 से ज़्यादा भी चलान है। तो अब तो कोई नहीं बहस करता, वो पे भी करते हैं फाइन, कैमरा उसकी तस्वीर भी देता है, उसकी गाड़ी का बकायदा जो है ना नंबर आता है और गाड़ी ने कब और कहाँ किस वक्त टाइम हर चीज़ उसकी नोट होती है, वो बकायदा तौर पर तस्वीर के साथ चलान उसके घर पहुँचता है। चलान करने का मकसद ये नहीं है कि हम आपको फ़ाइन करें या जनाब हम आपके पैसे कमोरें, ऐसी बात नहीं है। चलान करने का मकसद ये है कि ताकि हम आपको जो है ना वो रिमाइंडर दे सकें बार बार, आपको जेन में रहे कि नहीं मैंने जब बाहर निकलना है तो जैसे मैं घर से नाश्ता करके निकलता हूँ, जैसे मैं स्कूल जाने के लिए मुझे या अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सेम आप ऐसे जब घर से निकलते हैं तो आपको ये भी जरूरी हो कि जब मैंने बाइक चलानी है तो मेरे सर पे हेलमेट होना चाहिए।